हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैन स्टडीज़। आज है 19 दिसंबर और आज होता है लिबरेशन डे ऑफ गोवा। गोवा को पोर्तुगीज़ रूल से फ्रीडम मिली थी 1961 में। बढ़ते हैं आज की एमसीक्यू क्वेश्चंस की तरफ। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, वेयर विल बी द इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल वी हेल्ड इन जनवरी 2023। आपसे पूछा गया है इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2023 जनवरी में कहाँ होगा। आपके ऑप्शंस हैं लखनऊ, गांधीनगर, पटना या भोपाल। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, ये भोपाल में होगा। और ये इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का 8th एडिशन है। इस फेस्टिवल को विज्ञान का महाकुंभ भी कहा जाता है। ये इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज का। इसको मनाया क्यों जाता है? टू सेलिब्रेट द अचीवमेंट्स ऑफ इंडियाज साइंटिफिक एडवांसमेंट। इसके साथ ही हम एक इंडिया साइंस फेस्टिवल भी सेलिब्रेट करते हैं जो कि हैदराबाद में होने वाला है। ये उसका 4th एडिशन होगा और इसकी थीम है फ्यूचर इज नाउ। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। द ऑस्ट्रा हिंद 2022 इज अ बायलिटरल एक्सरसाइज बिटवीन इंडियन आर्मी एंड ऑस्ट्रेलियन आर्मी वॉज हेल्ड इन। आपको बताना है कि ये बायलिटरल एक्सरसाइज कहाँ पर हुई है। आपके ऑप्शन हैं राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा, तमिलनाडु। और आपका आंसर हो जाएगा राजस्थान। ये राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में संपन्न हुआ है। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू 3rd ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो 2022। आपका पहला स्टेटमेंट है इट वॉज हेल्ड एट इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट पूसा न्यू दिल्ली। सेकेंड, थीम ऑफ दिस एडिशन इज प्रॉफिटेबिलिटी फॉर ह्यूमैनिटी। थर्ड, इवेंट वॉज ऑर्गेनाइज बाई सोसाइटी ऑफ हेल्थ इन्वायरमेंट सेफ्टी एंड सस्टेनेबिलिटी प्रोफेशनल्स। और इसमें जो आपका करेक्ट स्टेटमेंट है वो है ऑप्शन ए। आपके तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं। और इस एक्सपो में मोर देन 10 कंट्रीज़ की ऑर्गेनिक कंपनीज ने पार्टिसिपेट किया है। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। वेयर वॉज द फर्स्ट नेशनल वुमेन्स रिप्रेजेंटेटिव कॉन्फ्रेंस 2022 टुक प्लेस। आपको बताना है कि प्रथम राष्ट्रीय महिला प्रतिनिधि सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ। आपके ऑप्शंस हैं न्यू दिल्ली, मुंबई, तिरुवनंतपुरम या बेंगलोर। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, ये तिरुवनंतपुरम में हुआ है, केरल में। और इस कॉन्फ्रेंस को होस्ट किया है केरला लेजिस्लेटिव असेंबली ने एज अ पार्ट ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव। और इन्होंने कुछ इश्यूज पे फोकस करने को कहा है जैसे कि जेंडर इक्वालिटी, वुमेन्स राइट और फीमेल रिप्रेजेंटेशन इन डिसीजन मेकिंग। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एंड चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो FCI से संबंधित आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है। आपका फर्स्ट स्टेटमेंट है इट इज़ ए स्टेट्यूटरी बॉडी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। सेकेंड, इट मेंटेन्स अ सेटिस्फैक्ट्री लेवल ऑफ ऑपरेशनल एंड बफर स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स टू इंश्योर नेशनल फूड सिक्योरिटी। थर्ड, इट रेगुलेट्स मार्केट प्राइस टू प्रोवाइड फूड ग्रेन्स टू कंज्यूमर्स एट अ रिलायबल प्राइस। फोर्थ, इट्स हेडक्वार्टर इज इन न्यू दिल्ली। इसमें आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है और आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर्स के अंतर्गत नहीं आता है, ये आता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसको सेटअप किया गया है 1965 में। इसका मुख्यालय एक तो नई दिल्ली में है, इसके साथ ही साथ इसके रीजनल सेंटर्स भी हैं जो कि हर स्टेट की कैपिटल्स में बनाए गए हैं। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। चूज द इनकरेक्ट पेयर अमंग दीज। इसमें एक तरफ समिट्स दी गई हैं और एक तरफ वो कहाँ पे
आयोजित की गई हैं उन जगहों का नाम है और आपको बताना है कि इसमें कौन सा पेयर इनकरेक्ट है। पहला, फिफ्थ इंटरनेशनल सोलर अलायंस समिट न्यू दिल्ली। सेकंड, 14th इंडिया जापान एनुअल समिट टोक्यो। थर्ड, SCO's एंटी टेरर मीट 2022 न्यू दिल्ली। फोर्थ, यूनाइटेड नेशंस ओशन कॉन्फ्रेंस 2022 लिस्बन। तो इसमें जो आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि इंडिया जापान एनुअल समिट ये टोक्यो में नहीं, ये न्यू दिल्ली में हुआ है, जिसमें जापान के प्राइम मिनिस्टर फूमियो किसेदा भारत आए थे और दोनों ही देशों ने अग्री किया है टू स्ट्रेंथन द पार्टनरशिप फॉर पीस एंड स्टेबिलिटी। बाकी आपकी तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं। यूनाइटेड नेशंस ओशन कॉन्फ्रेंस लिस्बन में हुआ है, जो कि पुर्तगाल की राजधानी है, और इस कॉन्फ्रेंस में भारत का नेतृत्व किया है जितेंद्र सिंह ने, जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, मिनिस्टर ऑफ अर्थ एंड साइंसेस के लिए। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। द S-400 इज, आपसे पूछा गया है कि S-400 क्या है। आपके ऑप्शंस हैं, लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम, बी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम, सी हाइपरसोनिक एंटीशिप क्रूज मिसाइल सिस्टम एंड डी लैंड अटैक मिसाइल सिस्टम। और इसमें आपका करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा ऑप्शन ए। S-400 ये लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है और ये डेवलप किया गया है रशिया के द्वारा। इसकी रेंज की बात करें तो इसकी रेंज है 400 किलोमीटर और स्पीड है 4.8 किलोमीटर पर सेकेंड। अगर हाइट की बात करें तो हाइट में इसका मैक्सिमम टारगेट होता है 30 किलोमीटर का। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।